हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माय सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट ऑफ चैप्टर 4। ये चैप्टर है आपका रेशनल नंबर, बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट रिव्यू है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिव्यू चल रहा है। यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। If the integer p and q have no common divisor other than 1 and q is a positive, ठीक है, के common divisor x के अलावा और कोई नहीं है, q is a positive integer, then rational number p and p divided by q is said to be an, क्या कहा जाएगा, ये एक standard form, ठीक है। Next देखिए question number 2। अब इसके अंदर देखिए क्या है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब आपको पता है कि उस नंबर का आपको क्या करना होता है, रेसिप्रोकेट करना होता है। इट मींस 7/-5, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर आपको इन्हें सोल्व करना है, और सोल्व करने के आपको बात बताना है कि आपको यहां पर कौन सा आएगा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा। तो चलिए तीसरा सोल्व करते हैं यहां पर। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम होता है जब भी, तो हम एज इट इज डिनोमिनेटर लिखते हैं और उन नंबर्स को क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, -3 and +-2, और टोटल की क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -3 and -2, ये हो जाएगा -5/7। यहां पर तो ये आ गया, और इस तरफ देखेंगे अगर अपने, अब यहां पर देखिए, अब इसकी हमें फाइंड क्या करनी है, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जिसके अंदर आपका क्या होता है, साइंस हट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5/7, और यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस 3/7 + 2/7। देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज कॉपी करेंगे, 3 + 2 आपके पास हो गया 5/7। अब ये देखिए दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो यहां पर आपका साइन आएगा इक्वल टू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है, तो यहां पर क्या है, देखिए किस नंबर में से हम ये माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर अपने बात करें माइनस इनटू प्लस, ये तो हो गया, मान लीजिए ये क्या था आपका, x था, द नंबर इज x, माइनस इनटू माइनस प्लस 3/7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो टर्म क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएगी आपके पास नेगेटिव की, इट मींस -3/7, दिस इज योर आंसर। तो यहां पर आपका क्या आएगा, -3/7 ही आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x - y = x + -y, ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये सेम टर्म आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स देखिए क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है, ये क्या है आपका, ट्रू है। अगर अपने एक इंटीजर की बात करें, देखिए 1/1, ये एक रेशनल नंबर है। अगर किसी और इंटीजर की बात करें, लेट्स सपोज 10/10 इज अ रेशनल नंबर। इसकी रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, इसकी फॉर्म होनी चाहिए p/q, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द रेशनल नंबर्स a/b, देखिए क्या है, a/b and ac/d, अगर इनका अपने सम करते हैं तो देखिए इसका एलसीएम आएगा b × d। जब b से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन बच जाएगा d, तो a × d + जब d से डिवाइड करेंगे तो बचेगा b c × b, और फाइनली आपके पास आएगा ad + cb/bd। लेकिन यहां पर तो कुछ और आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड की अपने बात करते हैं, देखिए थर्ड में क्या है, 1 इज द ओनली रेशनल नंबर विच हैव इट्स ओन रेसिप्रोकल, ठीक है, ये आपका क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि -1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो भी क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, वो खुद का ओन ही रेसिप्रोकल होता है।
यहां पर हम लिख देंगे फॉल्स, और ये आपका आ जाएगा माइनस वन का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, माइनस वन। फोर्थ की बात करें, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट 10,000 रेशन नंबर बिटवीन वन एंड टू, फॉल्स। हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ यहां पर आपको दिख रहा है, कंपेयर करना है दो रेशन नंबर का। अगर मैं यहां पर बात करूं, माइनस फाइव बाय सेवन इज लेस देन, देखिए अगर अपने बात करें फोर बाय माइनस सेवन की, माइनस फोर बाय सेवन की एंड कंप्लीट माइनस फोर बाय सेवन, ये तीनों के तीनों टर्म्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस फोर बाय सेवन भी लिख सकता हूँ। तो अगर अपने बात करें नंबर लाइन की, ठीक है, अगर नंबर लाइन की बात करें तो माइनस फोर बाय सेवन पहले आएगा और माइनस फाइव बाय सेवन उसके बाद में आएगा। तो जो नंबर लाइन के ऊपर जीरो के बाद जो सबसे पहले आता है वो नंबर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इट मीन्स दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, एमसीक्यूज हैं ये आपके। एवरी इंटीजर इज अ रेशन नंबर विद डिनोमिनेटर वन, ये हमने अभी किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमने किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। देखिए 51 बाय माइनस 85। अब सबसे पहले तो इसे हम कट करते हैं, देखिए 3 के टेबल से, 17 के टेबल से कट करते हैं, 73 जा 51 एंड 17 5 जा 85। तो यहां पर आ गया 3 बाय माइनस 5, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, माइनस 3 बाय 5। तो ऑप्शन आपके पास सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 बाय माइनस 5। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। अगर मैं, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 बाय माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशन नंबर विद न्यूमरेटर 6। देखिए अगर मैं फर्स्ट टर्म ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ तो यहां पर 6 बाय माइनस 48 आ जाएगा, लेकिन ये कैंसिल, ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां पर अगर मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो न्यूमरेटर 6 आ गया, यहां पर मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ गया, लेकिन यहां पर है आपके पास 4, 4 का कोई भी मल्टीपल 6 नहीं होता, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट रेशन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 बाय 11 टू गेट द प्रोडक्ट 28 बाय 33। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या मानेंगे, लेट द रेशनल नंबर इज इक्वल टू y, ठीक है। अब y को मैंने मल्टीप्लाई करना है माइनस 7 बाय 11 से, उसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, 28 बाय 33। ये क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, जब वो मल्टीप्लाई की टर्म उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगी 28 बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय माइनस 7, 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33, और ये जाएगा देखिए 7 वन जा 7 एंड 7 फोर जा आपके पास होता है 28। अब यहां पर देखिए y की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो y इज इक्वल टू 4 बाय माइनस 3, क्योंकि 4 इंटू 1 4 एंड 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो इसको हम इसे और भी क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3, दिस इज अ सिमिलर थिंग। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रेजेंट, ये आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए नंबर लाइन अभी यहां पर है आपका नेगेटिव के अंदर, तो यहां पर देखिए 0, 0 के राइट साइड में सारी की सारी क्या आती हैं, पॉजिटिव टर्म्स, लेफ्ट साइड में आती हैं आपकी
नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। तो जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे थ्री तक तो आ गया, थ्री तक तो आपका कंफर्म है। उसके बाद देखिए फोर एंड थ्री के हमें कितने पार्ट्स करने हैं, फाइव पार्ट्स, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो फोर फाइव पार्ट्स हो गए, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट्स हो गए। और यहां पर ये देखिए कहां पर है, टू थ्री बाय टू बाय फाइव पे। तो यहां से देखिए, यहां से काउंट करते हैं, वन बाय फाइव एंड दिस इज टू बाय फाइव। सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन एलोकेट माइनस थ्री टू बाय फाइव, ठीक है। अब ये तो आ गई माइनस थ्री टू बाय फाइव की बात, लेकिन यहां पर आपको गिवन क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू की कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री टू बाय फाइव, जो कि हमें कहाँ एलोकेट करना पड़ेगा, राइट साइड में, ठीक है। तो वन टू थ्री एंड फोर, सिमिलरली बिल्कुल हमें यहां पर फाइव पार्ट्स करने पड़ेंगे, फाइव पार्ट्स किए और सेकंड पॉइंट के ऊपर आपका जो आ गया थ्री टू बाय फाइव। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइनस थ्री टू बाय फाइव यहां पर आएगा और प्लस की बात करें तो वो यहां पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको दोनों की दोनों करके दिखा दिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। अब यहां पर देखिए क्या, सबसे पहले सोल्व करते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, वन इंटू टू टू, इलेवन इंटू थ्री 33, प्लस ये देखिए डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो डिवाइड का साइन, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं। डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपकी टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। सिक्स माइनस सिक्स बाय 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस 42 बाय 1, 21 वन जा 21, 21 टू जा 42, माइनस सिक्स इंटू माइनस टू, ये हो गया आपके पास प्लस का 12 माइनस। अब यहां पर देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे, थ्री वन जा थ्री प्लस वन फोर बाय थ्री, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस फोर बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइन बाय 24। थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, फोर वन जा फोर, फोर सिक्स जा 24, अगेन थ्री वन जा थ्री एंड थ्री टू जा सिक्स। तो यहां पर आपके पास आया माइनस वन बाय टू। माइनस यहां पे देखिए सेवन वन जा सेवन एंड सेवन थ्री जा 21, माइनस टू इंटू माइनस थ्री, ये हो गया आपके पास माइनस प्लस का 6। फर्दर इसे हम सोल्व करेंगे, देखिए टू बाय 33 प्लस 12 प्लस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस वन बाय टू एंड माइनस 6। तो यहां पर देखिए इनको एक तरफ लेके आते हैं हम, टू बाय 33 प्लस वन बाय टू, और देखिए 12 प्लस का माइनस का 6, आपके पास बच जाएगा प्लस का 6। इसके बाद देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 66, 33 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आपके पास आएगा 2, 2 इंटू 2 4, प्लस जब हम 2 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन आएगा 33, 33 इंटू 1 33, प्लस यहां पर देखिए डिवाइड में क्या है 1, तो 66 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा 66 एंड 66 इंटू 6, 66 जो 36 कैरी 3, 66 जो 36 एंड 3 396, ये आपके पास आ गया 396। और इनका जब हम एडिशन करेंगे, देखिए प्लस 4 किया 400, तो 433 डिवाइड बाय 66। अब ये है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखेगा उसका जो नाम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिफ्लेक्ट करूंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टेन।
अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, मतलब सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है एडिडास की तरह, ठीक है, एडिडास की जैसे लाइंस होती है ना उसी तरीके से। तो यहां पर देखिए क्या होता है, अब यहां पर अगर अपने बात करें अरेंज करने के लिए पहले हम इनकी वैल्यू पता होना चाहिए, तो यहां की बात करते हैं, ये तो एज इट इज रखेंगे 2 2 बाय 3। इसे जब हम सोल्व करेंगे देखिए तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 18, ठीक है, -18 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 9 से डिवाइड करोगे तो 2, सॉरी -2, और -2 × -2 ये हो गया माइनस का 4, प्लस -2 से डिवाइड किया तो आपके पास 9 9 × 3 27। नेक्स्ट इसको अपने सोल्व करते हैं, देखिए -4 बाय, ठीक है, यहां पर आपके पास डिवाइड में 1 है, एलसीएम आया 5, 1 से डिवाइड किया क्वेश्चन आया 5 5 × 2 10। फर्दर इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 5 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय -25 एंड -6 बाय 11 × 33 बाय 12। तो यहां से देखिए इसे तो हम एज इट इज लिख देंगे 2 2 बाय 3। इसे हम जब ऐड करेंगे देखिए 27 में से जब आप ये जब 24 जाएगा तो ये आपके पास आएगा आने वाला है 23 बाय -18। इसकी जब हम बात करेंगे तो देखिए -4 और यहां पर है प्लस का 10, तो आपके पास बचेगा 6 बाय 5, और एब्सोल्यूट वैल्यू है तो भी इसकी वैल्यू 6 बाय 5 ही आने वाली है। नेक्स्ट देखिए 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और ये आपके पास आ गया 1 बाय -10। एंड फाइनली अगर अपने बात करें 6 1 जा 6 6 2 जा 12 11 1 जा 11 11 3 जा 33, ये आपके पास आ गया -3 बाय 2। अब देखिए इन्हें भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया 2 2 बाय 3, 18 1 जा 18, ठीक है, -1, और यहां पर माइनस करने पर आपके पास आया 5 बाय 18। नेक्स्ट देखिए 6 बाय 5, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, इसे भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 1 बाय 5, -1 बाय 10, उसके बाद -1 1 बाय 2। देखिए अब इन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं जीरो की, यहां से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा, -1 बाय 10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस के अंदर सबसे बड़ा। उसके बाद देखिए -1 1 बाय 2 है, एक -1 5 बाय 18 है, इन दोनों में से सबसे पहले नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा 5 बाय 18, ठीक है, तो -1 5 बाय 18, उसके बाद -1 1 बाय 2, उसके बाद देखिए फाइनली आपके बचा -2 2 बाय 3, और सबसे बड़ा यहां पर अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये है 1 1 बाय 5, ठीक है, अगर 1 यहां पर है तो 1 1 बाय 5 यहां पर आएगा। तो यहां पर अगर अपने बात करें तो देखिए सबसे पहले नंबर पे जो है आपके पास दिख रहा है सबसे छोटा 1 नंबर पे ये है, उसके बाद उससे बड़ा जो है वो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, उससे बड़ा जो है 3, उससे बड़ा जो है यहां पर आपको दिख रहा है ये 4, और ये दिख रहा है आपको 5, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर अपने इसको लिखेंगे तो देखिए सबसे पहला नंबर आ जाएगा आपके पास -2 2 बाय 3। नेक्स्ट देखिए लास्ट वाला क्या है, -6 बाय 11 × 33 बाय 12। नेक्स्ट देखिए 2 बाय 9 प्लस 3 बाय -2, एंड फोर्थ में क्या है आपका 1 माइनस 1 बाय 10, इट मीन्स 5 बाय 6 डिवाइड बाय -25 बाय 3, एंड फाइनली जो आपका पॉजिटिव वाला है -4 बाय 5 प्लस 2, ठीक है, ये आपका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपका चैप्टर 4 का
चैप्टर असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।